जेब में 14,000 रुपए और बिना पासपोर्ट के साउथ कोरिया जाने का रिस्क उठाने वाली ये लड़कियां, जिनकी उम्र 13 साल थी, आपको शॉक कर देगी। आइए जानते हैं रिसेंटली खबरों में आए इस केस के बारे में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा एंड यू आर वॉचिंग अनकट। भारत में यूथ BTS, जो कि एक कोरियन बैंड है, उसके पीछे पागल है, फिर चाहे वो इनके कपड़े हो या स्किन केयर। भारत के यंग बच्चे इनका कंप्लीट स्टाइल बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। भले ही ये लैंग्वेज भारत के लोगों को समझ ना आती हो, इसका कॉम्पोजिशन और इसके बैंड मेंबर्स का चार्म इज इनफ टू अट्रैक्ट इंडियंस टू देयर म्यूजिक। इस वक्त के पॉप कॉन्टेंट को भारत से 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हर महीने देश के किसी कोने में इनके गानों की स्क्रीनिंग और कॉन्सर्ट्स चलती रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि BTS ने कभी भी इंडिया में परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी इनकी BTS आर्मी का फैंडम और क्रेज बहुत ज्यादा है। ऐसे ही आए एक रीसेंट केस में तमिलनाडु की 3 लड़कियां, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, 4 जनवरी की सुबह अपने घर से जेब में 14,000 रुपए लेके चुपके से बाहर निकल गई, इस होप में कि वो अपने इन आइडल्स से मिल पाएंगी। उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक और प्लान भी बनाया, जिसमें उन्होंने तूतुकुड़ी और विशाखापट्टनम के सी पोर्ट्स को ऑप्शन में रखा और इवेंचुअली विशाखापट्टनम की शिप से साउथ कोरिया जाने का डिसाइड किया। इन बच्चियों ने करुड़ से ट्रेन बोर्ड करी और चेन्नई पहुंच गई, जिसके बाद इनका ये इनोसेंट सा ख्वाब टूट गया। जब इनके पेरेंट्स को ये रियलाइज हुआ कि उनके बच्चे घर से गायब हैं, उन्होंने करुड़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। और जब पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, तब ये लड़कियां चेन्नई के एक होटल में कमरा खरीदने के लिए स्ट्रगल फेस कर रही थी। बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद उन्हें थर्सडे को फाइनली एक कमरा मिला और वो सिर्फ अगली सुबह का वेट कर रही थी, ये सोचते कि बस किसी तरह वो बिना पासपोर्ट के सोल, जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ साउथ कोरिया, वहां पहुंच जाए। इतनी सारी कोशिशों के बाद इन लड़कियों ने फ्राइडे रात को फाइनली हार मान ली और वापस घर जाने का फैसला किया। इस बीच जब वो रात को खाना लेने ट्रेन से उतरी, तो कट पड़ी रेलवे स्टेशन पर उनकी ट्रेन मिस हो गई, जिसके बाद उनके पास कुछ पुलिस आई और पूछताछ करना शुरू कर दिया। इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को पूरा मामला समझ आया, जिसके बाद इन बच्चों की काउंसलिंग की गई, उन्हें पढ़ने और लिखने की इम्पॉर्टेंस समझाई गई और कैसे वो अपने सपने को सही तरह से सिर्फ पढ़ लिख के परस्यू कर सकते हैं, ये समझाया गया। एक हैरानी की बात ये भी है कि जब इन लड़कियों से बात की जा रही थी, ये बहुत पैशनेटली BTS के बारे में काउंसलर को समझा रही थी। इन बच्चों को साउथ कोरिया के बारे में हर एक छोटी डिटेल मालूम थी और उनके स्मार्टफोन्स ने उनका ऑब्सेशन टुवर्ड्स BTS और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इन बच्चों की काउंसलिंग के बाद 6 जनवरी की रात को इन बच्चों को घर वापस भेज दिया और इनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करी। एक और बात जो नोट करने लायक है इस केस में, वो ये है कि इनमें से एक लड़की के फादर मेंटली चैलेंज्ड हैं, दूसरी लड़की के सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है और तीसरी लड़की के घर वाले हमेशा काम से बाहर फार्म्स में ही अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं और अपने बच्चों को सही गाइडेंस ना दे पाने और उनसे ज़्यादातर दूर रहने की वजह से उनके बच्चे ऐसे अनरियलिस्टिक कदम उठा रहे थे। बहुत ऑब्वियस बात कहने जा रही हूँ, बट एज पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी वजह से आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, तो आप जान लें कि उनका मिसगाइड होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों की फ़ोन हैबिट्स और उनके इंटरेस्ट को सीरियसली लें और उन पर ध्यान दें। और अगर आप उनके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक गार्जियन ज़रूर असाइन करें। ये कोरियन वेव हमारे देश को रिसेंटली हिट नहीं करी है। कोरियन कंटेंट का कंजम्पशन साल 2000 में बढ़ा था, जिसकी शुरुआत मणिपुर से हुई थी। रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, जो कि एक अलगावादी ग्रुप है, उन्होंने बॉलीवुड और सभी हिंदी चैनल्स को बैन कर दिया था और इस बैन की वजह से कोरियन फिल्म्स, शोज और म्यूजिक को काफ़ी ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ। 2012 में गंगम स्टाइल एक ऐसा गाना था जिसके हुक, स्टेप और ट्यून ने पूरे इंटरनेट को हिला डाला था। एंड फॉर कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स दिस सॉन्ग वॉज द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब। पोस्ट दैट कोरियन कल्चर ने भारत में और भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, टू एन एक्सटेंट जहाँ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी BTS को अपनी साउथ कोरियन इवेंट की स्पीच में मेंशन किया था। और 2020 में नेटफ्लिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट के आए मुताबिक कोरियन ड्रामा जॉनर में मैसिव 370% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। देखिए, किसी चीज़ का क्रेज़ होना अपनी जगह है और उस चक्कर में पागलपंती कर जाना दूसरी।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड ना हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फैन होने के साथ साथ थोड़ा ट्रैवल और वीजा के बारे में भी जान लें। ऑन दिस नोट, आई होप आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। इफ येस, ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू अनकट।